हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप अभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, एक कॉमन चीज़ आई थिंक आज के टाइम पे भी बहुत सारी जो गर्ल्स होंगी वो यूज़ कर रही होंगी, वो होगी एक हेयर रिमूवल क्रीम। बहुत सारी गर्ल्स अभी भी जो होंगी जो कि अपनी बिकनी वैक्स के लिए, अंडर आर्म्स के लिए चलिए ठीक है हम वैक्स करवा लेते हैं, बट जो बिकनी वैक्स की जब बारी आती है, लाइक बिकनी हेयर जो हमारे होते हैं, प्यूबिक हेयर जो होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हमें हमारे पास कुछ दो तीन ही ऑप्शन होते हैं। या फिर आप ट्रिम कर लीजिए, या आप जो है आप रेज़र यूज़ कर लीजिए, या तीसरा जो मोस्ट कॉमन है वो ये आपका होता है हेयर रिमूवल क्रीम। बहुत ही लोग जो होंगे शायद बिकनी वैक्स की तरफ गए होंगे, बट अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अभी तक नहीं गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं नहीं गई हूँ तो मेरे जैसी पता नहीं कितनी सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जो कि बिकनी वैक्स प्रेफर ही नहीं करती होंगी, जस्ट लाइक मी, क्योंकि बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं जाते। तो बट एक हेयर रिमूवल क्रीम आपने बहुत सारी यूज़ की होगी, बहुत सारे ब्रांड्स की यूज़ की होगी, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक हेयर रिमूवल क्रीम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है। लाइक अगर मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ, ठीक है, इस टाइम पे कि अगर मैं हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करती हूँ लाइक माई बिकनी एरिया, तो वहाँ पे मुझे कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, मुझे जो है छोटे 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 दाने निकल आते हैं, और जब तक वो हेयर वापस ना आ जाए ना तब तक वो मुझे इचिंग होती ही रहती है। तो मतलब कुछ टाइम के बाद मैं लाइक जो मेंस हमेशा बस उन जो हमेशा क्या बोलूँ मैं इचिंग करते रहते हैं, तो वो चीज़ जो ना मैं हम पब्लिकली वो चीज़ इतनी जल्दी ऐसे ऐसे कर नहीं सकते, नहीं तो सारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो सारा जाएगा हमारे। यस, बिल्कुल सही सुन समझा आपने। तो ये सब टाइम्स कुछ होता है, ये सब टाइम्स मेरे साथ के सामने लेके आई हूँ यहाँ पे दो दो ये जो है हेयर रिमूवल क्रीम है। पहली है वीट की, जो कि वेल ब्रांड नोन ब्रांड है, मतलब सब इसको जानते ही हैं, आई थिंक बच्चे से बच्चा बूढ़े से बूढ़ा जो है वो जानता है वीट, ये। बट द नेक्स्ट वन इज सेनफी। सेनफी को यूज़ करते हुए मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट इसको यूज़ करके भी आप देखिए ऑलमोस्ट जो है सेनफी मेरी फिनिश हो गई है, तब जाके मैं ये वीडियो लाई हुई, ये तो अभी थोड़ी सी बची हुई है। तो मैंने सोचा एक ना कंक्लूजन वीडियो होनी ही चाहिए दैट कौन सी जो हेयर रिमूवल क्रीम है वो बेस्ट है और कौन सी हमें प्रेफर करनी चाहिए, किसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते और कौन आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करती है। तो अगर मैं पहले बात करती हूँ वीट की, क्योंकि वीट जो है हमारी एवरग्रीन है, वो पुरानी सी रही है, यहाँ पे मैंने सेंसिटिव स्किन वाली ली थी, क्योंकि जो हमारा मोस्टली जब मैं बिकनी एरिया पे ही यूज़ करती हूँ तो मुझे लगा सेंसिटिव वाली अच्छी होगी। तो बट सेंसिटिव वाले में भी जो यहाँ पे इन्होंने लिखा हो सलून लाइक सिल्की स्मूथ स्किन, पहली बात नहीं होती है ऐसी, मतलब कि जितनी भी देर अगर मैं 10 मिनट 15 मिनट भी रख लूँ ना, वो कुछ हेयर जो होते हैं वो रह जाते हैं, मेरे साथ ये चीज़ होती है, कुछ हेयर जो है वो मेरे रह जाते हैं जो कि बाद में जो है वो मुझे चुभते भी हैं, इचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ें मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा ये जो है, हाँ, इन्होंने एक चीज़ और ये है, शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे, सब बोलेंगे ये बिकने के लिए स्पेशली है ही नहीं, बिल्कुल ठीक किया है, बट इंडिया में, मैं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, बट इंडिया में जो होंगे 99% जो पीपल होंगे वो वीट को बिकनी एरिया में ही यूज़ करते होंगे, ठीक है, अगर जो यूज़ कर रहे होंगे वो, जो नहीं कर रहे हैं उनकी तो साइड में ही करते हैं, उनको जो यूज़ करते हैं वो जो हेयर रिमूवल क्रीम होती है उसका वो एक ही काम जानते हैं, जो कि अपने बिकनी हेयर हो गए या फिर अपने अंडर हार्म हेयर हो गए उनको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई हाथों पैरों में नहीं यूज़ करता है, मे भी शायद कोई करे, अदरवाइज कोई करता नहीं है। तो ये जो चीज़ें आ गई वीट के साथ स्पेशली जो है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आती है वीट की, जैसे कि इसको यूज़ करने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, जिसके बाद जितनी देर मैं इसको यूज़ करती हूँ उतनी देर मेरी जस्ट ये चीज़ रहती है, तो मतलब इसकी स्मेल एक तो बहुत ही ज़्यादा तीखी सी इरिटेशन वाली होती है, ये चीज़ रहती है, और दूसरा क्या रहता है कि ये मतलब यूज़ करते टाइम भी मतलब बहुत ही लाइक रनी रहती है और बहुत ही जल्दी ऐसा लगता है निकल रही है ये वो, बट हेयर उतनी जल्दी जाते नहीं, ये मुझे ऐसा लगा है सेनफी यूज़ करने के बाद ये चीज़ मैंने फील की, अदरवाइज़ मुझे भी ये लगता था कि हाँ भाई एक ही बनी हुई है हमारी सर्वोत्तम जो है वीट है, इसको ही यूज़ कर सकते हैं। बट बात करती हूँ अब सेनफी की, जब से मैंने सेनफी यूज़ करना शुरू किया है, आप इसकी और इसकी पैकेजिंग में ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दैट कि कौन सी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो सेनफी की अगर बात करती हूँ, देखिए सेनफी जो है वो मुझे इसलिए पसंद आई है, पहली बात तो ये मुझे पसंद आई है, और इसलिए पसंद आई है क्योंकि एक तो इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, जस्ट आपने अप्लाई किया तो वो स्टे रहता है, और दूसरी चीज़ है इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती है, जस्ट आपने यूज़ भी किया हो ना तो आपको फील नहीं होगा दैट आपने कोई भी क्रीम वगैरह लाइक उसकी स्मेल्स अराउंड नहीं आएगी,
अगर आप बाथरूम में, तो बाहर वाले लोगों को नहीं पता लगेगा कि आज आपने वीट यूज़ किया है। सेम लाइक वीट के साथ ये होता था, तो सनफी के साथ ये चीज़ नहीं है। और दूसरी जो चीज़ है इसमें है लेवेंडर, ठीक है, तो उसकी जो आपकी इसकी जो फ्रेगनेंस है वो इन्हेंस करता है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा, हाँ, ये मतलब बिल्कुल नहीं बोलूँगी कति बिल्कुल मार एकदम बिल्कुल सपाट बना देता है स्किन, हल्के फुल्के बाल रह जाते हैं मेरे केस में, अभी भी यही बोल रही हूँ, मेरे केस में हल्के एक आधा जो है वो मुझे फील होने लगता है। बट ये वीट से काफ़ी मुझे इसलिए बेटर लगती है क्योंकि बहुत हद तक जो है मेरी स्किन को स्मूथ बना देती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है। और प्लस ये जो होती है समटाइम्स होता है स्किन को एक्सफोलिएट का भी काम करती है। और सनफी का स्क्रब आता है जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपने लाइक जो मेरे भी पर्सनल एरिया प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको, लाइक माय अंडर आर्म्स, माय बिकनी एरिया एंड ये सबको क्लीन करने के लिए मैं वाला स्क्रब यूज़ करती हूँ, जो उसके भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। चलिए हम उस पर कभी और आएंगे, बट फिलहाल तो इस पर बात करते हैं। और ये जो है ये देखिए इसमें इन्होंने लिखा हुआ है ब्राइटनेस, ठीक है, बट मैं ब्राइटनेस की तरफ नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये एक अलग टॉपिक आ गया, सिर्फ बात करती हूँ अभी हेयर रिमूवल। तो इन दोनों में जो है वो ये मुझे इसलिए ज़्यादा बेटर लगी है क्योंकि ये आपको इतना इरिटेट नहीं करती और बाद में ना इससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है दाने वगैरह नहीं निकले। एक आधा तो निकल ही आता है यार, बिल्कुल कोई भी चीज़ ना 100% ट्रू नहीं होती, हाँ थोड़े बहुत निकल आते हैं बट इसके मुकाबले बहुत ही कम होती है ये क्रीम, इरिटेशन भी नहीं देती है, प्लस स्मेल भी नहीं आती है, आपको दाने भी नहीं निकलते हैं। तो अगर आप एक बार कोई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक सनफी को मौका दे सकते हैं। और अगर बात करूँ इसके प्राइस की, प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे ये आपकी वीट है 50 ग्राम जो कि आपकी 128 की है, और वहीं पे सेम सनफी आपकी 50 ग्राम पड़ती है आपको 199 की, 199 की आपको पड़ती है। तो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर वो चीज़ आपको बेटर मतलब आपको बेटर रिलीफ करवा रही है, आपको प्रॉब्लम नहीं दे रही है, तो आई थिंक आप सनफी पे एक बार जा सकते हो। और बाकी का जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर मैं आपको बोलूं, तो आपको जो है इसकी पैकेजिंग से लग सकता है कि दैट कौन सी कैसी है, क्योंकि ये अगर अभी बात करूँ तो ये आपको अभी हल्की सी लग रही है, बट ये देखिए इसका तो निचोड़ भी मैंने निकाल लिया है कि मतलब बिल्कुल ही ख़त्म करके ही मैंने सोचा था कि इसका जो है फाइनल रिव्यू आप लोग के सामने लेके आऊँगी, ताकि जो भी रियलिटी है वो आप लोग को शो होनी चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो फिलहाल अगर आप कोई पूछेंगे मुझसे कि कौन सी हेयर रिमूवल क्रीम बेस्ट है, तो फॉर मी दिस इज़ सनफी, एंड सनफी आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। सनफी की रेंज बहुत अच्छी है, दिस इज़ नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो, क्योंकि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी एंड मुझे पता है इस प्रॉब्लम से ना हर कोई गुजरता ही गुजरता है। तो अगर आप बिकनी वैक्स नहीं करवाना चाहती हैं मेरी तरह, तो आप एक बार इसको चांस दे एंड आई नो यू लव इट। ओके दैट्स ऑल गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल ज़रूर होने वाली है वीट एंड सनफी में। और आप ना एक कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता या कुछ भी रहता है, तो आप एक बार छोटा छोटा पैक ला सकते हो, ये फिलहाल छोटा नहीं मिलेगा, ये छोटा पैक ला के एक बार आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एंड कंपेयर करके ना थैंक मी लेटर। ओके जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।